Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और ये सब प्लेयर के लिए अच्छा अकदाम है क्योंकि इससे क्रिकेट बहाल होगी। टीम को भी बहुत मतलब मजा आएगा, इंटरनेशनल टीम मतलब पाकिस्तान आएगी और हम मतलब देखने का बहुत अच्छा मौका है। लाहौर में इंटरनेशनल T20 मैच के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल, 19 SPs, 45 DSPs और 6000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामले। स्टेडियम के अतराफ 4 दर्जाती सिक्योरिटी हसार कायम, ट्रैफिक प्लान भी तैयार। बरकत मार्केट, FC कॉलेज, लिबर्टी मार्केट समेत 8 मकामात पर पार्किंग साइट्स बना दी गई। पार्किंग से स्टेडियम तक शटल सर्विस चलेगी। होटल के सामने मॉल रोड ट्रैफिक के लिए बंद, किनाल रोड के अतराफ ट्रैफिक रवा दवा रहेगी। मारूफ पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार की जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा आ पहुंचा। आज अपने वतन में करियर के पहले इंटरनेशनल T20 मैच में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिंदा दिलाने लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को खुश आमदीद कहते हैं। गैर मुल्की खिलाड़ी खेल से लुत्फानंदोज होंगे, अच्छी यादें लेकर जाएंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का पैगाम। पनामा फैसले पर नजरसानी के लिए 5 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए शरीफ फैमिली की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। 3 रुकनी बेंच भी फैसला देता तो नतीजा वही होता। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। हुक्मरान खानदान सिर्फ अपने हक में आने वाला फैसला कबूल करता है। आज एहतसाब ना हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। हम करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, अपना मुकदमा चौकों और चौराहों पर लड़ेंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रेंजर्स कराची में अहम किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर नौजवानों को जन्नत के ख्वाब दिखाकर बहकाते हैं। ख्वाजा इजहार पर हमले में मुलव्वज़ ग्रोह पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के फंड्स की तहकीकात और इंतखाबी निशानात वापस लेने का हुक्म दिया जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमातें हैं। दोनों जमातों ने अमेरिका में फॉरेन फंडिंग के लिए निजी कंपनियों से मुहाइदे कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर पीपल्स पार्टी की दरखास्तों में मौके। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के लिए दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कौमी असेंबली में हाजिरी देखकर दुख हो रहा है। क्या सिर्फ दिन पूरे करने के लिए इजलास बुलाया जाता है? इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दें, खुर्शीद शाह का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। नई अमरीकी पॉलिसी के बाद पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगरम। ईरान के बाद वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ एक रोजा दौरे पर तुर्की चले गए। तुर्क सदर, वजीर आजम और दीगर आला हुकाम से मुलाकात में खित्ते से मुतालिक उमूर और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। रावलपिंडी में चक्री इंटरचेंज के करीब वैन और ट्रेलर में हौलनाक तसादुम। हादसे के बाद वैन में आग लग गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसे में 4 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। कराची के इलाके मलीर में भी ट्रक और वैन आपस में टकरा गए। हादसे में 6 अफराद लुकमा अजल बन गए, 3 जख्मी। चारसद्दा में पुल टूटने से दरिया काबुल में गिरा सीमेंट से भरा ट्रक, 4 रोज बाद भी निकाला ना जा सका। दूसरा पुल भी ट्रैफिक के लिए बंद, आवाम परेशान। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान के सामने घुटने टेक दिए। 3 मरहलों में 15 लाख टन चीनी 10 रुपए फी किलो सब्सिडी के साथ बरामद करने की इजाजत दे दी। पंजाब के तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया। लाहौर में कामयाब तलबा का तनासुब 62%, फैसलाबाद में 66%, गुजरांवाला और भावलपुर में 54% रहा। सऊदी अरब में दाइश का वजारत दिफा पर खुदकुश हमलों का मंसूबा नाकाम बना दिया गया।
दो यमनी बाशिंदे और दो सऊदी शहरी गिरफ्तार, दस्ते बम और दीगर असलहा बरामद। हाइड्रोजन बम के तजुर्बे के बाद शुमाली कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियां अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। शुमाली कोरिया की तेल की दरामदात को महदूद कर दिया गया, टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात पर पाबंदी आई।